न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज 21 जून मंडे का दिन है, आइए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें। सऊदी हुकूमत ने एक हैरान कर देने वाला ऐलान किया। हमेशा मौज़म अजान देते वक्त ऊंची आवाज़ में अजान दिया करते थे, लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने कहा कि अजान की आवाज़ कम करे और पूरी नमाज लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाती थी, जिस पर सऊदी हुकूमत ने कहा कि सिर्फ जुमे का खुतबा और अजान लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाना चाहिए। सऊदी हुकूमत ने ये नए ऐलान जारी किए सऊदी में। वाज़ेह रहे नाज़रीन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब से हुकूमत संभाले हैं नए नए ऐलान करते जा रहे हैं और सऊदी को लिबरलाइजेशन की जानिब बढ़ाते जा रहे हैं। कई लोग सऊदी हुकूमत के खिलाफ है, ऑनलाइन इंटरनेट पर हैशटैग्स के जरिए एहतजाज भी किए जा रहे हैं सऊदी हुकूमत के खिलाफ। कोरोना की तीसरी लहर के चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक टीम बनाई है जो ऑक्सीजन सप्लाई और इंजेक्शन की सप्लाई जैसे रेमडेसिविर ऑक्सीजन ICUs के लिए और दिगर बेड्स के डिस्ट्रिक्ट और सिटीज में इंतजाम पर कड़ी नज़र रखेगी। इस ताल्लुक से सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने आसानी से। महात्मा जन आरोग्य मिशन CEO डॉक्टर सुधाकर शिंदे ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, इसका इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे करेंगे। ब्राज़ील में कोरोना से मौत होने वालों का आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। कोविड-19 से मरने वालों की गिनती ब्राज़ील में 5 लाख हो गई है। इसी लापरवाही को देखते हुए ब्राज़ील की आवाम रोडों पर एहतजाज कर रही है हुकूमत के खिलाफ और मांग कर रही है कि प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो को प्रेसिडेंट की सीट से निकाल दिया जाए। वाज़ेह नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर ब्राज़ील हुआ है। ब्राज़ील पहले नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा कोविड-19 से मुतासिर होने पर। 5 लाख लोगों की मौत पर हुकूमत हाथ पर हाथ डालकर बैठी है। ब्राज़ील की आवाम ने सड़कों पर एहतजाज किए हुकूमत के खिलाफ। टिकटॉकर और यूट्यूबर्स हो जाए होशियार, फेमस होने के चक्कर में हो सकती है सज़ा। इजिप्शियन टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर रिनात इमाद नामी खातून को कायरो इकोनॉमिक कोर्ट की जानिब से 3 साल की जेल सज़ा सुनाई गई। ये सज़ा की वजह बताई गई कि रिनाट सेंसिटिव कंटेंट पोस्ट करती थी जो दूसरों को दिमागी तौर पर असर करता था। रिनाट पर 1 लाख इजिप्शियन पाउंड्स का जुर्माना लगाया गया, यानी $6,000 का जुर्माना लगाया गया। इजिप्ट की लोकल मीडिया के मुताबिक रिनाट ने अपनी वीडियोस वायरल करने ज़बरदस्ती लोगों को दिखवाती थी ताकि वीडियोस की व्यूज़ बढ़ जाए। बताया जा रहा है कि रिनाट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सोसाइटी वैल्यूज़ को तबाह करने वाले कंटेंट्स पोस्ट किए थे जिसके तहत उसे 3 साल की जेल हुई। वाज़ेह रहे, ज़बरदस्ती किसी को वीडियोज़ बताकर फेमस होना या सेंसिटिव पोस्ट अपलोड करना सोशल मीडिया पर एक जुर्म है, इसके खिलाफ सज़ा हो सकती है। एमिरेट्स से आ रही है राहत वाली खबर। एमिरेट्स ने ऐलान किया कि वो अपनी फ़्लाइट शुरू कर देंगे आने वाले संडे से। हाल ही में दुबई ने इंडिया के मुसाफिरों पर बैन लगा दिया था। इंडिया में दिन पे दिन कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए दुबई ने इंडिया से आने वाले मुसाफिरों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब एमिरेट्स आने वाले संडे से फ़्लाइट शुरू कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे के दिन ईरान के जदीद इलेक्टेड प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद पेश की ईरान के इलेक्शन में जीत हासिल करने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो आने वाले दिनों में ईरान के साथ काम करने की उम्मीद रखेंगे और ये भी कहा कि ईरान और इंडिया के रिश्ते इससे मजबूत बनेंगे। कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सवाल किए अयोध्या राम मंदिर के ज़मीन के घोटाले में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खामोशी अख्तियार कर बैठे हैं। कांग्रेस लीडर ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर की ज़मीन और ट्रस्ट के ताल्लुक से तफसीली जांच हो। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC JEE and MCET, BPSC NEET and MCET.
MEC CA CMA, CEC CA CMA, CEC computer and regular, 100% scholarship assistance, transport facility available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.